हमीरपुर सुजानपुर मार्ग पर लगभग 10 करोड़ की लागत से बन रहे पुल का काम दिसंबर माह तक पूरा हो जाने से आम जनता के साथ ही पालमपुर, संदोल, जयसिंहपुर आदि क्षेत्रों को आने जाने वाले वाहन चालकों को भी लाभ पहुंचेगा। पुंगखट के ऊपर चल रहे निर्माण कार्य ने लॉकडाउन के बाद गति पकड़ना शुरू कर दी है। आपको बता दें कि इस स्थान पर पहले बना पुल अंग्रेजों के जमाने में बनाया गया था। हालांकि लोक निर्माण विभाग इस पुल की मरम्मत भी समय पर करता है, लेकिन बढ़ते ट्रैफिक को देखते हुए अब ये पुल भारी भरकम वाहनों की मार को झेलने में असमर्थ है। हमीरपुर सुजानपुर मुख्य मार्ग पर मलेट के पास बन रहे पुल का निर्माण कार्य शीघ्र ही पूर्ण होता नजर आ रहा है। इस पुल के बनने से लोगों में सफर करने में आसानी भी होगी, क्योंकि वर्तमान यातायात जिस पुल से गुजरता है उस पुल की रेलिंग दोनों तरफ से टूट चुकी है। वहीं पुल की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि कोई भी लोड वाहन इस तीखी चढ़ाई व मोड़ पर अनियंत्रित होकर सीधे नीचे अपने वाहनों सहित घटना का शिकार होने का खतरा मंडराता रहता है। सहायक अभियंता सुजानपुर ने बताया कि ब्लेक में निर्माणाधीन पुल का काम दिसंबर महीने तक पूरा कर लिया जाएगा और इस पुल पर लगभग 10 करोड़ की लागत और ये पुल लगभग 10 करोड़ की लागत से तैयार होगा। उन्होंने बताया कि पुल की लंबाई 95 मीटर है। लगभग 10.86 करोड़ की लागत से बनवा रहा है और ये दिसंबर तक पूरा हो जाएगा। ये इसके पुल की लंबाई 94.26 मीटर है। पीडब्ल्यूडी विभाग ठेकेदार के थ्रू करवा रहे हैं, ये सारा काम पीडब्ल्यूडी की देख रेख में। थैंक यू सर। गौरतलब है कि हर साल सुजानपुर में 4 दिवसीय ऐतिहासिक होली मेले का आयोजन किया जाता है और मेले का शुभारंभ मुख्यमंत्री द्वारा किया जाता है। मेले के दौरान काफी संख्या में लोग इसी पुल के माध्यम से सुजानपुर पहुंचते हैं।